दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में भारत की रॉकेट वुमेन कौन है? भारत की रॉकेट वुमेन किसे कहा जाता है जिन्होंने चंद्रयान 3 को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने का जिम्मा लिया है, और क्यों इन्हें लोग राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर ये नहीं होती तो क्या चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाएगा? स्वागत है आपका बेस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं इंडियन फैक्ट 1। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, इसरो ने 14 जुलाई 2023 को अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किया, जो कि 23 या 24 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चांद पर चंद्रयान 3 को उतारने की जिम्मेदारी मिली है रितु करिधल को। आपको बता दें कि रितु करिधल ही चंद्रयान 3 मिशन की डायरेक्टर है और प्रोजेक्ट डायरेक्टर है पी वीरा मथुवेल। आपको बता दें कि रितु करिधल भारत के मंगलयान डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर भी रह चुकी है और चंद्रयान 2 में मिशन डायरेक्टर भी रह चुकी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जन्मी रितु करिधल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। रितु करिधल का नाम देश के बड़े वैज्ञानिकों के लिस्ट में शामिल है। इनको यंग एज में युवा पुरस्कार भी मिला है। इनकी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ में हुई थी। इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने फिजिक्स में एमएससी की। उसके बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमटेक करने के लिए वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर चली गई। एमटेक के बाद इन्होंने पीएचडी करना शुरू किया और कॉलेज में पार्ट टाइम प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाने लगी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 1997 में इन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया था इसरो में, जहां उन्हें नौकरी मिल भी गई। अब यहां पर इन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। इनके पास दो ऑप्शन था, या तो अपनी पीएचडी कंप्लीट करे या फिर इसरो में जॉब करे। लेकिन इन्होंने पीएचडी को बीच में छोड़ा और इसरो ज्वाइन कर लिया। और तब शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि वो आगे चलकर देश के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगी। लेकिन ऐसा हुआ। इसरो में इन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की और इसका नतीजा आप सबके सामने है। आपको बता दें कि रितु करिधल चंद्रयान 3 के पहले भी कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में अपना योगदान दे चुकी है। इनकी पहली पोस्टिंग युवा राव सैटेलाइट सेंटर में हुई थी, जहां उनके परफॉर्मेंस से सभी लोग प्रभावित थे। 2007 में इन्होंने इसरो युवा वैज्ञानिक पुरस्कार भी मिला, और ये वही दौर था जब मंगलयान मिशन में काम शुरू होने वाला था। ये पुरस्कार इन्हें एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अचानक उन्हें पता चला कि वो मिशन मंगलयान का हिस्सा है। वो कहती है कि ये न्यूज उनके लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था, लेकिन वो खुश भी थी क्योंकि उन्हें इतने बड़े मिशन में काम करने का मौका मिलने वाला है। इतना ही नहीं, ये चंद्रयान 2 मिशन की डायरेक्टर भी रह चुकी है। इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए इसरो ने 2020 में तय कर लिया चंद्रयान 3 मिशन भी रितु करिधल के हाथों में ही होगा। आइए अब आपको बताते हैं रितु करिधल के फैमिली के बारे में। इनके दो भाई और एक बहन भी है। रितु करिधल की शादी अभिनाश श्रीवास्तव से हुई थी, जो बेंगलुरु में टाइटन इंडस्ट्री में काम करते हैं। गाइस, आप उस वैज्ञानिक के बारे में तो जानते ही होंगे जो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगर आप सोच रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम ने ही रितु करिधल को पुरस्कार दिया था। एपीजे अब्दुल कलाम को मिशन मैन के नाम से भी जाना जाता है, और वो वैज्ञानिक होते हुए भी देश के राष्ट्रपति बने, और अब लोग रितु करिधल को भी राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं। आज अपने देश के 140 करोड़ लोगों की उम्मीद सिर्फ रितु करिधल पर टिकी हुई है कि क्या रितु करिधल चंद्रयान 3 को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा पाएगी। अगर ये ऐसा करती है तो लोग इसे राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहेंगे। और सोचिए, अगर हमारा राष्ट्रपति कोई साइंटिस्ट होगा तो हमारा देश कितना आगे जाएगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव में चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग करवाना इतना आसान नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो भारत इतिहास रचेगा, और इसमें जो सबसे बड़ा हाथ होगा वो है रितु करिधल का। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रितु करिधल की मेहनत रंग लाएगी? क्या इस बार चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा? और आप रितु करिधल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हां, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली तक व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना ना भूले, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि चंद्रयान 3 के पीछे मैन कैरेक्टर कौन है, मैन एक्टर कौन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।